लास्ट क्लास पर्यंत आम्ही कोण पढ़ुले जाच ना चार्ज कौन थिला, चार्ज रा प्रॉपर्टीज कौन थिला, आउ से चार्ज रिलेटेड बहुत गुड़े क्वेश्चन कले आउ तार किसी इंपोर्टेंट एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन गोटे जो प्रश्नकाल सीरीज वन गोटे वीडियो अपलोड करें कि सल्व करमर पाठवाला कौन कहला कुलम्स लॉ। आज पाठरे आम बेसिकाली कौन पढ़ा कहल आज क्लास में कुलम्स लॉ कौन आ कुलम्स लॉ कौन क्यारेक्टरीस्टिक्स आ कि छोट छोट क्वेश्चन आउ आ रिलेटेड एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन मुझ प्रश्नकाल सीरीज टू रे अपलोड करदेवि तुमने से देखीदे पार। ओके ठीक अच्छे आउ डेरी न करके आम आरंभ कर पाठ कौन आमर ना प्रियर कुलम्स लॉ बाबा कुलम कौन कौन कहले से विषय पढ़वा। देख प्रथम कथा है कुलम्स लॉ माने कौन कहल नियम नियम कौन ना जहाँ कुलम कही आमको मानवाक पड़ो आ कुलम कही मैंने कौन सेमती मन रु बसते शोक उठी कहीदे कि सेमती तो कही ना ना लॉ माने कौन ना हजार हजार एक्सपेरिमेंट हो फ्लो फ्लो बेसी कहीदेली मैंने बहुत गुड़ा एक्सपेरिमेंट होने गोटे नतीजा पहुँची थे आउटपुटा आमको देने सी जो आउटपुटा आमको देने आमको से मानवाक पड़ो तुम्हें कुलम को ऊपर शक कर तुम्हें लॉटा कौठू आनल से बहुत गुड़े एक्सपेरिमेंट करी से सब डाटा बा जहाँ भी आउटपुट पाइले से गोटे लॉ भाव में लिखिक रखिले से जिनटा को आमको मानवाक पड़ो एक्जाक्टली सी कौन कहले आम से विषय आज ये वीडियो रे डिस्कशन करवा। ओके कौन कुलम्स लॉ आज ये वीडियो रो विषय विषय वस्तु। ओके देख शुण कौन कुलम्स लॉ देख प्रथम कथा है कौन ना कुलम गोटे एक्सपेरिमेंट कले कौन एक्सपेरिमेंट कले ना ये गोटे चार्ज रखिले मन कर दुटा पॉजिटिव चार्ज अच्छे यू रखिले क्यू वन ये गोटे चार्ज रखिले से रखिले क्यू टू है देखिले कौन ना ये दुटा चार्ज भितर कि इंटराक्शन अच्छे कौन इंटराक्शन देखिले ए चार्जटा एपट को पड़ेगा ए चार्जटा एपट को पड़ेगा कहल एमती कमी है आमे सीना जाणीगले हाँ ये आपट को फोर्स पकड़ा सी सेपट को फोर्स पकड़ा कि कुलम तो से जान ना ना कहल एटा एमती कौन हो अच्छा जेहेतु यही चार्जटा एपट को जाने यही चार्ज आप किसी गोटे फोर्स पकाऊ मत कहना ये मोर पेनटा एमती थुआई मुझे पेन उपर गोटे एपट फोर्स पकड़े पेनटा सेपट को गड़ला बापट पेनटा थुआई एपट फोर्स पकड़े एपट को गड़ला जदि मुझे कौन से फोर्स न पकेबि तो से पेन जो सही बुझीपार मुझे कौन कहवाक चाहती सिमिलरली सी दुटा चार्ज नहीं रखीदे देखिले क्यू टूटा पड़ेगा एपट को क्यू वाटा पड़ेगा एपट को मैंने क्यू टू पर गोटे किसी फोर्स पड़ू तेल से फोर्सटा किए पकाऊ से खोजिले कि आउ कहीं ना खाली क्यू वाने अच्छी तेने क्यू वन क्यू टू पर गोटे फोर्स पकाऊ सिमिलरली क्यू टू कौन करना क्यू वन गोटे फोर्स पकाऊ क्यू वन क्यू टू पर फोर्स पकड़ा टू क्यू टू गला एपट को क्यू टू क्यू वन फोर्स पकड़ा टू क्यू वन गला एपट को बुझीला सी गोटे काम कले कौन कले ना ये रहा धर क्यू वन एट रहा क्यू टू क्यू वन क्यू टू पर जो फोर्स पकिले धर सी डिनोट कले एफ टू वन माने कौन ना फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन माने दुई नंबर चार्ज उपर एक नंबर चार्ज जो जो फोर्स से कहला एफ टू वन सिमिलरली दुई नंबर चार्जटा एक नंबर चार्ज उपर जो फोर्स पकड़ से कौन कह एफ वन टू एफ वन टू माने कौन ना फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू दुई नंबर चार्ज जो एक नंबर चार्ज उपर जो फोर्स पड़ा से कहला एफ वन टू देख ली एफ टू वन आउ एफ वन टू दीजर डिरेक्शन कौन पूरा अपोजिट ना ये जिनस देखिले कहले मो पाखे धर ये दुटा चार्ज रहा यहाँ धर चार्ज क्यू वन यहाँ धर रहा चार्ज क्यू टू है मुझे धरिक रखीदेली मन कर छाड़देवि छाड़देला देखी सी एपट एपट को पड़े कौन पे पड़े ना ना यही चार्जटा यही चार्जटा यही चार्जटा आपको एपट को ठेल यही चार्जटा आपको एपट को ठेल ताने यही चार्जटा रेड वाला ग्रीन वाला चार्जटा रेड वाला उपर फोर्स एपट डिरेक्शन में पकेला आउ रेड वालाटा ग्रीन वाला उपर फोर्सटा को एपट डिरेक्शन में पकेला ताने दुटा चार्ज उपर जो दुटा फोर्स पड़े से अपोजिट डिरेक्शन में अच्छा बुझीला तो बढ़िया कथ होतापर कुलम आउ गोटे जिनस कले बढ़िया जिनस कले आप कौन है पुणी से क्यू वन क्यू टू नहीं कर देख मुझे प्लस प्लस दुटा नौ तुम्हें चाहिए प्लस माइनस माइनस प्लस जहाँ तुम्हें नवा कथ नियो से कौन अच्छे है मुझे धर क्यू वन नी ये क्यू टू नी देखिली क्यू वन क्यू टू पर एपट फोर्स पकड़ा से कहली कौन एफ टू वन दुई नंबर पर जो फोर्सटा पड़ो सीटा लिखो एफ टू वन जहाँ उपर फोर्स पड़ू से आग जी पकाऊ सी पछे बुझेगा धर मुझे लिखी एफ फोर फाइव
ତାମାନେ କ'ଣ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଉପରେ ପକାଉଛି କିଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଯାହା ଲେଖିଲି ଏଫ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ ତାମାନେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଛଅ ନମ୍ବର ଉପରେ ପକାଇଲା କିଏ ସାତ ନମ୍ବର, ଏଫ୍ ଏ ବି ତାମାନେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଉପରେ ପକାଇଲା କିଏ ବି, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ସିମିଲାରଲି ଏଫ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ତାମାନେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଟୁ ଉପରେ ପକାଇଲା କିଏ ୱାନ୍, ଆଉ କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପକାଇବ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଫୋର୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କଲି, କାମ କ'ଣ କଲି ନା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ଏଠି ରଖିଥିଲି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟାକୁ ଧରିକି ରଖିଲି କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମାନେ ଇଏ ତ ଆକୁ ରିପେଲ୍ କରିବ ନା, ଫୋର୍ସଟା ତ ପଡ଼ିବ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ, ତ କ୍ୟୁ ଟୁ ଏପଟକୁ ଗଲା, ଏପଟକୁ ଗଲା ମନେକର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏରେ। ସିମିଲାରଲି ଏପଟେ କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଚାପିକି ଧରିଲି କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟା ଏପଟକୁ ଯିବ, ଏପଟକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏରେ, ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଇନିସିଆଲି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ର ମାସ୍ ଯେତିକି ଥିଲା କ୍ୟୁ ଟୁର ମାସ୍ ସେତିକି ନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇନଥିଲି, ଏଇଟା କୁଲମ୍ଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ବୁଝିଲା। ସେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମ୍ ମାସ୍ ବାଲା ନେଲେ, ସେମ୍ ମାସ୍ ବାଲା ସିଏ ନେଲେ, ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟାକୁ ଧରିଲେ କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କ୍ୟୁ ଟୁଟା ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏରେ ଗଲା, ତାପରେ କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଧରିଲେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ସିଏ ବି ସଟନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏରେ ଗଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ଯେତିକି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଦେଲା କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଦେଲା। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ମାସ୍ ବି ସେମ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଏ ଆ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଥିବ ଇଏ ତା'ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଥିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଲା କ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଲା। ଆକୁ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଡିରାଇଭ୍ ବି କରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ ଖାଲି ଗପଟା କହୁଛି, ଶୁଣ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଗଲା, କ୍ୟୁ ୱାନ୍କୁ ନିଆହେଲା କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ନିଆହେଲା, କ୍ୟୁ ୱାନ୍କୁ ଚାପିକି ଧରିଲେ କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଗଲା, ପୁଣି କ୍ୟୁ ଟୁଟାକୁ ଚାପିକି ଧରିଲେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଗଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ମାସ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ଯଦି ମାସ୍ ସେମ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ସେମ୍, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ନା, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ବି ସେମାନଙ୍କର ସେମ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଇନିସିଆଲି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଏଫ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏବେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେତିକି ଏଫ୍ ଟୁ ୱାନ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ବି ସେତିକି। ଏବେ କହିଲି ନା ଇଏ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଲା ଇଏ ତ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଉଛି ହେଲା, ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେତିକି ଏଫ୍ ଟୁ ୱାନ୍ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେତିକି। ତା ମାନେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟୁ ଟୁ, ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପକାଇବ ସେଟାକୁ ନେଲି ଏଫ୍ ଟୁ ୱାନ୍, କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ପକାଇବ ସେଟାକୁ ନେଲି ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ, ଆଉ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ୱାର ନେଚର୍ କେମିତି ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହେବା କଥା ହିଁ ହେବ, ହେଇ ହେଇ ବଳିବ, ହେବନି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଲା। କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ, ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝ କି ନ ବୁଝ, ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏମିତିଆ ଫୋର୍ସ ବାଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ତୁମକୁ, କିଛି ନଷ୍ଟାଲଜିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଶୁଣିଛ କି? ହଁ ଶୁଣିଛ, କେଉଁଠି ନା ଆମର ଚାପ୍ଟର ଲଜ୍ ଅମୋସନ୍ରେ। କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ି ଅଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ୁଛି ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର୍ କହନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କହିଲି, ତମେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଲ, ଗୁଳି ଗଲା ଆଗକୁ, ବନ୍ଧୁକ ଆସିଲା ପଛକୁ, ତାମାନେ ବନ୍ଧୁକଟା ଗୁଳି ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଲା ଆଗକୁ, ଗୁଳିଟା ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇଲା ପଛକୁ, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ ଦୁଇଟାଙ୍କ ତ ଏକା ଏକା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ବନ୍ଧୁକ ଯାଉଛି ପଛକୁ, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ବାବା ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଲ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫେୟାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କୁଲମ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫେୟାର୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଟୁ, କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ କ୍ୟୁ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଉପରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ କୁଲମ୍ ଫୋର୍ସକୁ ବି ସମ୍ହାଓ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର୍, ଖାଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି କହନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ପଡ଼େନି, ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ କୁଲମ୍ ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର୍ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର୍ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁଲମ୍ସ ଲ ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ କେଉଁ ଲ ସହିତ ସମ୍ହାଓ ଇକ୍ୱାଲାଣ୍ଟ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ସଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ସହିତ, ହେଲା, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ସହିତ ଆମର କୁଲମ୍ସ ଲଟା ଇକ୍ୱାଲାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲ। ଇଏ ତ ଗଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି, ଏଇଟା ତ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲି। କୁଲମ୍ସ ଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଲ ଲ ଲ ଲ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ,
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଆଉଟପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ହେଲା। ସେଇ ଆଉଟପୁଟଟା ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କହିବେ ଆମକୁ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଏମିତି ଠାସ୍କୁ ମାରିକି କହିନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରିକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ଲରେ କହିବେ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା କୁଲମ୍ସ ଲରେ, କୁଲମ୍ସ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା କୁଲମ୍ସ ଲ କ'ଣ କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଲେଖୁଛି। କ'ଣ ନା ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି କୁଲମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୁଲମ୍ କହିଥିବା କଥାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ହେଲା। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍, ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୁହ। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେପାରେସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍ ହେଲା। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ପଡ଼ିପାରିବ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାମା, ଯାହା ବି କହୁଛି ଯାହା ବି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେପାରେସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୁଲମ୍ସ ଲ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍, ତୁମେ ମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ପଏଣ୍ଟ, ଆମକୁ ତ ଦେଖା ହିଁ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍। ତୁମେ କହିବ କେମିତି, ମୁଁ କହିବି ତୁମ ସ୍ପିଅର୍ଟାକୁ ଏଠୁ ନ ଦେଖିକି ଏଇଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଅର୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା ହେବ, ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହିଁ ତ ଦେଖା ହେବ, ତାହେଲେ ସେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସ୍ପିଅର୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍। ତେଣୁ ମାନେ ଚାର୍ଜଟା ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲା। ଏଇ ପେନ୍ଟା ମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏଇନା 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କହିବି ଏ ପେନ୍ଟାକୁ ଫୋକସ୍ କର, ତୁମକୁ ଏ ପେନ୍ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ଟା ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଯଦି ଚାର୍ଜର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଭେରି 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 ଲେସ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚାର୍ଜଟାକୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କହିପାରିବି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଏତେ ଯାତ୍ରା ନ କରିକି ତୁମେ ଏବେ ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସ, ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେପାରେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା Q1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା Q2, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମନେକର ହେଲା R। ତାହେଲେ ଆମର କୁଲମ୍ସ ଲ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିବ ବା ରିପଲ୍ସନ୍ ଆସିବ, ମନେକର ସେଇଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା F, ଏଇଟା କ'ଣ କାହା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍।
आउ कौन कौच ना से भर जो सेपरेसन डिस्टान्स रहा तार स्क्वेयर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहीटा ही कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट जाए स्टेशनरी माने कौन आम तो पढ़ुचे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने चार्ज गुड़ा कौन रहा है रेस्ट रे अच्छा स्टेशनरी मीनिंग रेस्ट ना तो मैंने जो दुटा चार्ज क्यू वन क्यू टू नहीं कौथे अच्छा रेस्ट हिं अच्छा बुझेगा तेल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ओके होगा कूलम्स लॉ ताले जो दुटा चार्ज रहा क्यू वन क्यू टू से भितर सेपरेसन डिस्टान्स रहा आर ताले फोर्सटा क्या सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना क्यू वन आउ क्यू टूर प्रोडक्टर मैग्नीट्यूड सहित आ सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना जो डिस्टान्सटा थी डिस्टान्सटा कौ डिस्टान्स नब ना जो दुटा चार्ज को कनसीडर कर दुटा चार्ज भितर थी डिस्टान्स को नब बुझिपार जो दुटा चार्ज को कनसीडर करुच्ची से दुटा चार्ज भितर जो डिस्टान्सटा थी से डिस्टान्सटा को ही ने तार स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल तेल दुटा स्टेटमेंट को जब मिसेक लिखी तेल लिखिपर ए प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर खाली मर्ज करदेली ताहले आमे जानिचे जदि मुझे जो प्रोपोर्शनालिटी सिंबलटा को हटेबी ताले गोटे इक्वल गोटे कांस्टेंट दरकार ताले एफ रहिला प्रोपोर्शनालिटी सिंबल हटेली इक्वल कांस्टेंट जगह केते लिखा जाए ना फोर पाए एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर हला एटा हला गोटे कौन ना कांस्टेंट आ जगह तुम डायरेक्टली नहीं जाइपर कौन के बुझेगा आहरी गोटे कथा कहे ये जो वन बै फोर पाए एप्सिलॉन जीरो रहिला आकु आर वैल्यू कैलकुलेट ऑलरेडी करा ही जाएगी आर वैल्यू केते हबो ना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट कौन ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बुझेगा ये जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वैल्यूटा ही हैला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मन रखता बा के रो वैल्यू हैला कौन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट हैला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर अच्छा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 जहां के जे के टा को कहां जगह लिखुची कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 जगह बुझेगा वन तो जानते गोटे कांस्टेंट फोर तो गोटे कांस्टेंट पाए तो गोटे कांस्टेंट बाकी गोटे जिनस रहा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन जीरो कौन ना एप्सिलॉन जीरो टाकू कहती परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सेटा कहते कौन ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और आब्सोल्यूट परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जहाँ आब्सोल्यूट परमिटिविटी से यहाँ क्या कहती एप्सिलॉन जीरो कौन परमिटिविटी कौन आब्सोल्यूट परमिटिविटी कौन रिलेटिव परमिटिविटी ए विषय में गोटे डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट लेक्चर 4 से आम परमिटिविटी बढ़िया से पढ़ा और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एवं जान जो एप्सिलॉन जीरो खाली कहती परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और आब्सोल्यूट परमिटिविटी है यहाँ है गोटे कौन ना कांस्टेंट कौटा कांस्टेंट ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम कांस्टेंट परमिटिविटा कांस्टेंट नुहे कारण परमिटिविटी मीडियम उपर डिपेंड करे फ्री स्पेस रे परमिटिविटी रो वैल्यू अलग वाटर रे परमिटिविटी रो वैल्यू अलग तुम्हें आउ कौट किरोसिन नहीं जा रहा परमिटिविटी रो वैल्यू अलग है किंतु एआर रे सब जगह परमिटिविटी रो वैल्यूटा सामान है एप्सिलॉन जीरो रो वैल्यूटा के 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ है परमिटिविटी रो वैल्यू कौ परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जानपार कौन कहली आउ थ रिवाइज कर दूसरी कूलम्स लॉ कहला कौन ना मन कर मो पाखे दुटा स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अच्छी गोटे है क्यू वन आउ गोटे क्यू टू से भितर सेपरेसन डिस्टान्स मन कर आर तेल आंक भितर जो इंटरेक्शन फोर्स आसो से कौन ना क्यू वन आउ क्यू टूर मैग्नीट्यूड्र प्रडक्ट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ से भितर जो डिस्टान्स रहा तार स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये दिन जो मिसेकी लिखिली तो लिखिली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड लिखुनि तुम कहीं मैग्नीट्यूड ही बुझे है ए प्रोपोर्शनल सिंबल हटे मैंने गोटे इक्वल कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं गली वन बै फोर पाए एप्सिलॉन जी क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर बुझेगा ये जो वन बै फोर पाए एप्सिलॉन जीरो रहा आर वैल्यूटा के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आ भितर जो एप्सिलॉन जीरोटा रहा यहाँ को कहती कौन तुम ना आब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बुझेगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आउ ये जो एप्सिलॉन जीरो वैल्यू के 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ए यूनिट को उल्टे दबो कौन हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर
एटा थिला रे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आर यूनिट कौन है जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ए जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एटा लिखला को एते बड़ो कष्ट हो तो आ जगह तुम शॉर्ट लिखि दे पारिबो कोन के एटा ला गो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एटा थिला तुम कौन ना कूलम्स लॉ। अच्छा ए कूलम्स लॉ कौन कहूँ ना आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस कौन कौन ना आम फोर्सटा डिस्टेंस सहित केमी प्रोपोर्शनल ना डिस्टेंस स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझेगा जेहेतु गोटे डिस्टेंस स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटा गोटे लॉ कहती कौ लॉ कहती ना इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जदि क्वेश्चन पचारा डज कूलम्स लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ आंसर है येस। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन कहूँ ना गोटे फैक्टर स्क्वायर सहित जब आउ गोटे फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बेसिकली डिस्टेंस कथा ही निजाए मन कर गोटे फैक्टर गोटे डिस्टेंस स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल से प्रकार लॉ गुड़ा कहते इनवर्स स्क्वायर लॉ। बुझेगा ताले आमर कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे ना नहीं आंसर है येस। आउ थोर कहूँ कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे ना नहीं येस। परमिटिविटी मीडियम उपर डिपेंड करे ना नहीं येस येस एंड येस। परमिटिविटी मीडियम उपर डिपेंड करे बुझेगा देख आउ खाली ये गोटे जिन कहते जो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ताले फोर्स आउ डिस्टेंस भितर जो गोटे ग्राफ करिव केमिथि हबो इनवर्स स्क्वायर वाला ग्राफ तुम जानिथिबो केमिथि हा ए ग्राफ रो नेचर टा कोन कोन कहलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मने रखो एटा को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैथ रे पढ़थिबो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हला ए ग्राफ रो नेचर टा कोन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आपको लेकिन जब मोटे ग्राफ प्लॉट करी ग्राफ टा एमती आसो ए ग्राफ टा को कहती कौन कौन पढ़ती ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्लियर बुझीपार आ गोटे कथा कहूँ शुण मु फोर्स फर्मुला कौन पाइली 1/4 एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर है देख q1 q2 एगुड़ा तो मीडियम उपर डिपेंड करेंगे कारण आम पढ़े चार्ज इनवायरमेंट प्रॉपर्टी एटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उपर डिपेंड करे ही ना बाकी रहा डिस्टेंस एटा को मुझे कांस्टेंट रखी दे पारी बाकी रहा 1/4 एटा तो सेमिटर भी कांस्टेंट आउ गोटे जिनस रहीगला कौन ना एप्सिलॉन 0 बाय एप्सिलॉन एटा हला कौन तुम जोटा कहते तुम परमिटिविटी परमिटिविटा पे कौन ना मीडियम उपर डिपेंड करे आ फोर्सटा परमिटिविटी उपर डिपेंड करे जेहेतु परमिटिविटा मीडियम उपर डिपेंड करे तेणु कूलम फोर्स अल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम कूलम फोर्स मीडियम उपर डिपेंड करे हला नोट कर रखी दो कूलम फोर्स मीडियम उपर डिपेंड करे हला आउ जदि कूलम फोर्स आउ डिस्टेंस भितर गोटे ग्राफ प्लॉट करी ग्राफ रो नेचर केमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आउ सेटा एमती ही देखा जाए बुझीपाल एटा थिला कूलम फोर्स हला आ कूलम फोर्स फॉर्मूला कौन यूज करिवो न्यूमेरिकल्स में 1/4 ε₀ q1 q2 बाय r स्क्वायर और इन शॉर्ट एफ इक्वल टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर आखि बंद करी पांच थर मने मने कहो एफ इक्वल्स टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर एफ इक्वल्स टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर एफ इक्वल टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर एफ इक्वल टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर एंड एफ इक्वल्स टू के q1 q2 बाय r स्क्वायर q1 q2 को कौन नब ना दुटाक चार्ज मैग्नीच्यूड नब q1 है चार्ज मैग्नीच्यूड q2 भी है चार्जर मैग्नीच्यूड प्लस थे भी प्लस माइनस थे भी प्लस नब ओके आर है कौन ना जो q1 q2 जहाँ को तुम कनसीडर कर दुटा भितर थी डिस्टेंस आर है कौन ना जो दुटा चार्ज को तुम कनसीडर करा चार्ज भितर थी डिस्टेंस अलग कोई डिस्टेंस नब ना बुझेगा फॉर एग्जांपल गोटे बुझे दूसरी क्लीयर हम धर ये रहा q1 ये रहा q2 एट रहा q3 एटी डिस्टेंस है एक्स एटी डिस्टेंस है वाई है मुझे तुम पचार क्यू वन क्यू टू भितर फोर्स कैलकुलेट करो तेल तुम एफ इक्वल टू नब क्या भितर पचार क्यू वन क्यू टू भर फोर्स पचार मैंने Q3 को मार बोली आ कथा भावने जाए गोटे किए अच्छी बोली एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कौन नेबी एक्स नेबी ना वाई नेबी देख Q1 Q2 भितर कौ डिस्टेंस अच्छी एक्स प्लस वाई अच्छी तो टोटल डिस्टेंस नब एक्स प्लस वाई स्क्वायर लाइक दिस बुझेगा आर छोट छोट क्वेश्चन मुझे करदेवी आ भल क्वेश्चन प्रश्न काल सीरीज रे आसीबो ओके जानिपेलो एटा हला कोन ना कूलम्स लॉ स्टेटमेंट रिलेटेड किछि पाठ ओके एबे गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कहिबी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मन देखि सुनो आराम से बुझिजिबो इबा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जणा पड़ी गेलानी त माने जो कूलम फोर्सटा अच्छा फोर्स तो माने तमे जानिछो सेटा गोटे वेक्टर कोन वेक्टर फॉर्म केमिति लेखिबा देखो इजी जिनसटा मन कर एठी मो पाखे गोटे चार्ज अछि q1 एट गोटे चार्ज अच्छी q2 ओके q1 q2 पर जो फोर्सटा पकेबो से फोर्सटा को मु कोन कहबी f21 वेक्टर दे दूची सिमिलरली q2 q1 पर जो फोर्स पकेबो सेटा को कहबा कोन ना आमे f12 वेक्टर हला देखो फोर्सटा सब बेले जो लाइनटा q1 q2 को जॉइन करतबो से लाइन अलोंग रे लागे सेति पे से फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहंती कहबी ए विषय देखो ठीक है
ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ତା ଛଡ଼ା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ନା ନାହିଁ, ଭେକ୍ଟର ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ Q1 ରୁ Q2 ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମନେକର ମୁଁ କନସିଡ଼ର କରୁଛି R12 ଭେକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ Q2 ରୁ Q1 ଆଡ଼କୁ ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ମନେକର ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କନସିଡ଼ର କରୁଛି R21 ଭେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, R12 ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? R12 ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଧର Q1 ରୁ Q2 ଯାଉଛି ନା, ତ ଫାଇନାଲ ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ୍ ଇନିସିଆଲ ଭେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ମାନେବା, ଏଇଟା R12 ଧର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଭେକ୍ଟରକୁ ବୁଝେଇଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଫାଇନାଲ ମାଇନସ୍ ଇନିସିଆଲ। ମନେକର ଏଇଠି Q1 ର ପୋଜିସନ ଭେକ୍ଟର ହେଲା R1 ଭେକ୍ଟର, Q2 ର ପୋଜିସନ ଭେକ୍ଟର ହେଲା R2 ଭେକ୍ଟର। ତାହେଲେ R12 ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା R2 ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ୍ R1 ଭେକ୍ଟର। ସିମିଲାରଲି R21 ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ଲେଖିଲାଣି ମାନେ ଓଲଟାଟା ଆର୍ ହେଇଥିବ, R1 ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ୍ R2 ଭେକ୍ଟର। ଏଇ ଜିନିଷରେ ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ। R12 ଭେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା R2 ମାଇନସ୍ R1, R21 ମାନେ କ'ଣ? R1 ମାଇନସ୍ R2। ବୁଝିଲା? R12 ମାନେ କ'ଣ? R2 ମାଇନସ୍ R1, ଫାଇନାଲ ମାଇନସ୍ ଇନିସିଆଲ। ସେଭଳି R12 ମାନେ କ'ଣ? 1 ରୁ 2 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତ ଫାଇନାଲ କେ 2, ତ R2 ମାଇନସ୍ R1। ସିମିଲାରଲି R21 ମାନେ କ'ଣ? 2 ରୁ 1 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, 2 ରୁ 1 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଫାଇନାଲ କେ 2 ରୁ 1 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବି ତ 1ରେ ନା, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କେ 1, ତ R1 ମାଇନସ୍ R2, R1 ମାଇନସ୍ R2। ହେଇଗଲା? ବୁଝିଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ନା ମନେ ରଖିଥାଏ। ଦେଖ କେତେ ସହଜ ଜିନିଷ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଜାଣିଗଲ ନା? ଆଉ ଥରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିଦେଉଛି, କାହିଁକି ତୁମ ପାଇଁ ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର ଚାଲୁଛି। ଥରେ କ'ଣ 5ଟା ଡ୍ର କରିବି? ଦେଖ ଏଇଠି ମନେକର ହେଲା Q1, ଏଇଠି ହେଲା Q2, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେସନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟେ କନସିଡ଼ର କରୁଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର, ଏବେ ଯେହେତୁ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭେକ୍ଟର ହିଁ ମୁଁ କନସିଡ଼ର କରୁଛି, ଏଟାକୁ ନେଲି କ'ଣ R12 ଭେକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବି ସେଟାକୁ ନେଉଛି କ'ଣ? R21 ଭେକ୍ଟର। କ୍ଲିୟର? Q1 Q2 ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ପକେଇବ, Q2 ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ? F21 ଭେକ୍ଟର। Q2 Q1 ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ, 1 ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବି କ'ଣ? F12 ଭେକ୍ଟର। ହେଲା, ତୁମେମାନେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସରେ 2-1, 1-2 ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡେରିଭେସନ୍ ବୋଲିକି ଖାଲି କରିବା କଥା। ଦେଖ F21 ଭେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବି? କେ Q1 Q2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେ? R12। R12ର ସ୍କୋୟାର, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସ୍କୋୟାର ନା? କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏ F21ଟା? କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା R12 ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଅ R12 କ୍ୟାପ୍, ହେଇଗଲା କାମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? କେ Q1 Q2 ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, କେ ରହିଲା, Q1 ରହିଲା, Q2 ରହିଲା, ଆର୍ ମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? F21 ପାଇଁ କାଢ଼ୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇବାଲା ଫୋର୍ସଟା Q1 Q2 ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ପିକ, ତାହେଲେ ଏଇବାଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ନେବି। ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ଅଛି? R12, ତ ତା'ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ର ସ୍କୋୟାର। ଯେହେତୁ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ତ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ିଛି ନା R12ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାହା, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ R12 କ୍ୟାପ୍। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଏ କ୍ୟାପ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ଭେକ୍ଟର ବାଇ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଏ କ୍ୟାପ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ସିମିଲାରଲି ଏଠି ପକେଇ ଦିଅ, କେ ରହିଲା, Q1 ରହିଲା, Q2 ରହିଲା, R12ର ସ୍କୋୟାର ରହିଲା, R12 କ୍ୟାପ୍ ଜାଗାରେ ଏଇବାଲା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଲ? R12 ଭେକ୍ଟର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ R12 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼। ଦେଖୁନା, ଯେମିତି ଏ କ୍ୟାପ୍ଟା ହେଲା ଏ ଭେକ୍ଟର ବାଇ ଏ, ସେମିତି R12 କ୍ୟାପ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? R12 ଭେକ୍ଟର ବାଇ R12। ସରିଗଲା? ତାକୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ, କେ Q1 Q2 ବାଇ R12ର ସ୍କୋୟାର R12, ତ R12ର କ୍ୟୁ, R12ର ଭେକ୍ଟର। ସରିଲା? ଏଇଟା ପାଇଗଲେ କ'ଣ? F21। ସିମିଲାରଲି ତୁମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ କ'ଣ? F12। F12 ଭେକ୍ଟର, F12 ଭେକ୍ଟର କ'ଣ ନା କେ Q1 Q2 ବାଇ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ F12 କାଢ଼ୁଛି, ଏଇବାଲା ଫୋର୍ସଟାକୁ କାଢ଼ୁଛି, ଏଇବାଲା ଫୋର୍ସଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେବ? R21, ତ R21ର ସ୍କୋୟାର। କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ିବ? ଆର୍, ଦେଖୁନ ଏ ଫୋର୍ସଟା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି? R21 ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଯାହା କରିଥିଲେ ଏଟା ସେଇଭଳିଆ, ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି? R21 ଡିରେକ୍ସନ୍, ତ ନେବି R21 କ୍ୟାପ୍। ସିମିଲାରଲି ସେଠି ଯାହା କରିଥିଲେ ଏଠି ସେଇଆ କରିବି, Q2 ବାଇ R21 ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ R21 କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ନା R21 ଭେକ୍ଟର ବାଇ R21। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? କେ Q1 Q2 ବାଇ R21ର କ୍ୟୁ, R21ର ଭେକ୍ଟର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଦେଖିଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଦେଖ, ମୋତେ କୁହ R12ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା, R21ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେଇଆ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ସନୁ R12 ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, R21 ବି ତ ସେଇଠୁ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାହେଲେ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେତିକି, ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେତିକି, ତ R12ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା, R21ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ Q1 Q2 ତ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେନି, କେ Q1 Q2 ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବେନି, ଖାଲି ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ହେଲା R12 କି ନହେଲେ R21। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲିନି R12ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା, R21ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେଇଆ। ତାହେଲେ F21 ଜାଗାରେ କେ Q1 Q2 ରହିଲା, R12ର କ୍ୟୁ ରହିଲା, ଆର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ତ ଯାହା, R21ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ତ ସେଇଆ। ତାହେଲେ F12କୁ ଦେଖ, F21କୁ ଦେଖ, F21କୁ ଦେଖ, F12କୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା F21ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଏଇଟା ହେଲା F12ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଦେଖ କେ Q1 Q2 କେ Q1 Q2 ସମାନ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କନସିଡ଼ର କରୁଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ହଟା, ଡିରେକ୍ସନ୍ କଟା, ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କନସିଡ଼ର କରୁଛି ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ରହିବନି, କାହିଁ ରହିବ? ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କଥା ହିଁ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି R12ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାହା, R21ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେଇଆ।
ताने ए टर्म जहा ए टर्म तो डिटो से हीगला ताने एफ वन टू मैग्नीच्यूड इक्वल्स टू एफ टू वन मैग्नीच्यूड ये जिनस प्रथम रू कौली जो जिनसा गोटे खाली सेम एक्सपेरिमेंटाल जिनसा कौली यहाँ आम प्रूव कले बुझेगा आउ गोटे कथा डिरेक्शन पाक आसा देख ल आर वन टू डिरेक्शन टा कड़क अच्छे एपट को आर टू वन डिरेक्शन टा कड़ अच्छी एपट को अच्छी देख ल दुटा डिरेक्शन कौन अपोजिट दुटा डिरेक्शन कौन अपोजिट ताल एटी देख आर वन टू डिरेक्शन अच्छी आर टू वन डिरेक्शन अच्छी यहाँ तो है मैग्नीच्यूड पार्ट यहाँ तो कला मैग्नीच्यूड पार्ट यहाँ है डिरेक्शन पार्ट डिरेक्शन पार्ट आर वन टू डिरेक्शन टा कड़ अच्छी एपट को आर टू वन डिरेक्शन टा कड़ अच्छी एपट को तमान दुटा कौन अपोजिट डिरेक्शन जदि आर वन टू आर टू वन अपोजिट है तमाने एफ वन टू रेक्टरटा कौन हम एफ टू वन रेक्टर अपोजिट रहा मैंने एफ वन टू वेक्टर एपट को लगे एफ टू वन वेक्टर एपट को लगे से गोटे माइनस लगे दूसरे हेनी धर यपटा को कौन ए वेक्टर तेल एपट को कहना माइनस ए वेक्टर सिमिलरली एपट वेक्टर जो है एफ वन टू वेक्टर एपट वेक्टरटा कौन हम एफ टू वन वेक्टर तेल लिखिपर एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू माइनस अफ एफ टू वन वेक्टर यहाँ सिंपल वेक्टर कैलकुलेशन मो आ कि ना बुझिपाल यहाँ ही तुम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जापाल ना जापाल आउ थे कहीदेव देख सर्ट्रे गोटे मिनट भितर कौन फटाफट है देख के सहज ये क्यू वन यहाँ रहा क्यू टू यहाँ भर डिस्टेंस यू एक पर्यटन डिस्टेंस को नौ आर वन टू बुझे खाली डेरीवेसन मुझे आर टू वन वेक्टर क्यू वन क्यू टू पर जो फोर्सटा पकड़ो से कहला एफ टू वन वेक्टर या पर जो फोर्सटा पकड़ो से कहला एफ वन टू वेक्टर जो एफ टू वन वेक्टर मुझे लिखी कौन लिखी ना के क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बै भितर डिस्टेंस कौन ना आर वन टू स्क्वायर कौ डिरेक्शन अच्छी ना आर डिरेक्शन समान तो आर वन टू क्या तक लिखिपर के क्यू वन क्यू टू बै आर वन टू स्क्वायर यहाँ लिखिपर आर वन टू वेक्टर बै आर वन टू है क्या फॉर्मूला है यहाँ के क्यू वन क्यू टू बै आर वन टू स्क्वायर यहाँ के क्यू हो आर वन टू वेक्टर रहा है सिमिलरली एवं कौन कैलकुलेट करी ना एफ वन टू वेक्टर एफ वन टू वेक्टर जो कैलकुलेट करी तो के क्यू वन क्यू टू से कौ डिस्टेंस ने डिस्टेंसटा तो आर टू वन स्क्वायर कौ डिरेक्शन ना आर टू वन क्या डिरेक्शन तो आपको लिखिपर कौन ना के क्यू वन क्यू टू बै आर टू वन स्क्वायर आर टू वन वेक्टर बै आर टू वन है आपको लिखले कौन हो के क्यू वन क्यू टू बै आर टू वन क्यू आर टू वन वेक्टर सरगला एफ टू वन वेक्टर पाइगले एफ वन टू वेक्टर पाइगले देख एठ देख आर वन टू मैग्नीच्यूड जहाँ आर टू वन मैग्नीच्यूड से हम ना कारण आर वन टू तो ये बाट आर टू वन तो ये बाट दुजन जगह मैग्नीच्यूड सेम है जो एफ टू वन मैग्नीच्यूड कथ कनसीडर करी तेने कौन एति एफ टू वन मैग्नीच्यूड के भेक्टर मैंने यहाँ तो डिरेक्शन ना एति है मैग्नीच्यूड एफ वन टू मैग्नीच्यूड जो कनसीडर करी एति कारण यहाँ तो है डिरेक्शन पार्ट है देख लो मुझे ये कौन ना आर वन टू मैग्नीच्यूड जहाँ आर टू वन मैग्नीच्यूड से तमें ये मैग्नीच्यूडा जहाँ ये मैग्नीच्यूडा से आ के क्यू वन क्यू टू तो दुटा समान तमें एफ टू वन वेक्टर जहाँ एफ वन टू वेक्टर मैग्नीच्यूड से सरगला मैग्नीच्यूडर कथर आसवा डिरेक्शन पाक देख ल आर वन टू डिरेक्शन टा कड़े अच्छी एपट वा आर टू वन डिरेक्शन टा कड़े अच्छी एपट वा बुझेगा तेल लिखिपर आर वन टू वेक्टर इक्वल टू माइनस अफ आर टू वन वेक्टर सिमिलरली मैग्नीच्यूड तो दुटा सामान था कथ छाड़ एवं डिरेक्शन दुटा को छाड़ जेहतु आर वन टूटा को मुझे लिखिपार माइनस आर टू वन सिमिलरली एफ टू वन टा को लिखिपर कौन माइनस एफ वन टू कौन असुविधा अच्छे चल तो डायरेक्ट लिखिदेपर तेल एफ टू वन वेक्टर टा को लिखिदे पारि कौन माइनस एफ वन टू वेक्टर एति लिखो एति तुम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ दैट्स ऑल फाइनल जापाल कौन थी कूलम्स लॉ कौन थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तो जाने कौन थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आ कौन कूलम्स लॉ एबे पढ़ा कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ कौन कौन प्रॉपर्टीज अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स माने कौन 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 प्रॉपर्टीज अच्छी फास्ट पॉइंट कौन कहली ना कूलम्स लॉ जहाँ कहले से लिखुचे कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिके आगे पढ़े न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करे सेकेंड पॉइंट कौन कहली ना कूलम्स फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम कहले ना जेहेतु परमिटिविटी उपरे डिपेंड कर कूलम फोर्स तो कूलम फोर्स भी मीडियम उपरे डिपेंड करे थर्ड पॉइंट कूलम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स कूलम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स कौन कौच आगे लिखी दौर बुझा कूलम फोर्स कौन ना सेंट्रल फोर्स ठीक अच्छे तुम मुंडे ना चलत कौन सेंट्रल फोर्स कौच कूलम्स फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स तुम गोटा कौन चलती
कंजर्वेटिव फोर्स कौन कंजर्वेटिव फोर्स कह डोंट वरी लास्ट कथा कूलम्ब फोर्स इज नॉट डोमिनेंट इनसाइड न्यूक्लियस और इनसाइड न्यूक्लियस जहाँ रेडियस के 10^-15 मीटर देख पॉइंट वन कौन कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर कथा प्रथम कही कार किसी कन्फ्यूजन नन रखी दिव कम सफा सेकेंड पॉइंट कूलम्ब फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम ठीक कथा कूलम्ब फोर्स जेहतु परमिटिविटी डिपेंड कर परमिटिविटी मीडियम पर डिपेंड कर सो कूलम्ब फोर्स मीडियम पर डिपेंड कर किसी बड़ कथ ना ठीक अच्छे चल तापर थर्ड पॉइंट कूलम्ब्स लॉ इज ए सेंट्रल फोर्स कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स शुण सेंट्रल फोर्स क्या कहते ना जो फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज आक्ट करू थो कौन कौन देख मन कर ये रहा मो पाखे गोटे चार्ज क्यू वन ये गोटे चार्ज रहा क्यू टू यहीटा है आर सेंटर ये आर सेंटर ये दुटा सेंटर को कौ लाइन टा जॉइन करुच्छे ना ये लाइन टा जॉइन करुच्छे देख क्यू वन टा क्यू टू पर जो फोर्स पकेबो से फोर्स टा एपटे पड़ू थो क्यू टू टा क्यू वन पर जो फोर्स पकुत से फोर्स टा एपटे पड़ू थो केबे भी से फोर्स एमिती पड़ी पारिबो नाही कूलम्ब फोर्स सबुबेले कौ डिरेक्शन रे पड़िबो ना जो लाइन टा दुटा चार्ज रो सेंटर को जॉइन करिछि अलोंग दैट लाइन कूलम्ब फोर्स ऑलवेज एक्ट करे कूलम्ब फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस से कूलम्ब फोर्स को कहते सेंट्रल फोर्स माने कौन ना चार्ज रो सेंटर को जो लाइन टा जॉइन करिछि कूलम्ब फोर्स टा सबुबेले से लाइन अलोंग रे एक्ट करिबो एटी करू बा एटी करू जो लाइन टा जॉइन करिछि सबुबेले से लाइन अलोंग रे एक्ट करिबो सेटा को कहते कूलम्ब सेंट्रल फोर्स बुझि पालो तो कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स चारि नंबर पॉइंट कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स पिला माने कंजर्वेटिव फोर्स कौन कंजर्वेटिव फोर्स माने कौन ना कंजर्वेटिव फोर्स है कौन आमर ना पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स कौन ना जीए वन एंड ओनली तो नुह जीए ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन उपर डिपेंड कै मन कर मो पाखे ये गोटे चार्ज अच्छी क्यू वन ये गोटे चार्ज अच्छी क्यू टू तक भितर डिस्टेंस अच्छी आर तुम पचारे कूलम्ब फोर्स के तुम सांगे सांगे सर कि हालवा क्वेश्चन पचार के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर मुझे कहली वेरी गुड बर्तमान ये रखिले चार्ज को क्यू वन क्यू टू टा धरे बुले 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 आने की छाड़देली एत बाट बुले आड़ी आउ यो क्यू वन आउ क्यू टू भितर डिस्टेंसटा के बर्तमान ना से आर रहा से आर रहा बर्तमान मुझे पचारि तुम कूलम्ब फोर्स के तुम कह एफ इक्वाल टू के दुटा चार्ज क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू तक भितर डिस्टेंस के आर ना आर र स्क्वायर ये कौन करदे तेल ये भी तो जो फोर्स था ये तो से फोर्स रहा तेल बाकी ये एतक बाट बुले से गुड़ा तो अननेसेसरी ना नहीं अजथार बुलाऊ किसी लाभ ही ना तुम जिते बुला से गुड़ा किसी फोर्स डिपेंड ही कैनि से क्या डिपेंड कला ना इनिशियली चार्जटा कौटी अच्छी आउ फाइनाल चार्जटा कौटी अच्छी चार्ज मानक इनिशियल आउ फाइनाल पोजिशन से मेरे ही डिपेंड कै बाकी तुम जिते बुला कि जहाँ कर तापर से डिपेंड कैना डिपेंड करती ना से प्रकार फोर्स गुड़ा कहते ना कंजर्वेटिव फोर्स आउ जेहतु आम कूलम्ब फोर्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन डिपेंड कै आते पाथ उपर आउ अलग पाथ उपर किसी डिपेंड कैना से गुड़ाक कहते कंजर्वेटिव फोर्स से कूलम्ब फोर्स इज अल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स बुझिपाल ना बुझिपाल देख मन कर चार्ज ये अच्छे क्यू वन ये आउ गोटे चार्ज रखिली क्यू टू आर डिस्टेंस दूर तर फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर मन कर ये रहा चार्ज गोटे क्यू वन क्यू टू को एमती बुले कि नहीं कि छाड़देली क्यू टू आंक भितर भी डिस्टेंस मापिली मन कर सीधा डिस्टेंस अच्छी आर तेल फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तमें एपट जो बुले कि नी किसी लाभ ही है कारण एपट पाथ उपर से डिपेंड कै ही ना से इनिशियल कौटी अच्छी फाइनाल कौटी अच्छे से भितर सेपरेसन कौन से उपर ही डिपेंड कै आउ यही प्रकार नेचर कौ फोर्स ना कंजर्वेटिव फोर्स कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बुझेगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या कह जो फोर्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन डिपेंड कै अलग पाथ उपर डिपेंड कै ना से गुड़ा कहते कंजर्वेटिव फोर्स ओके आई होप पॉइंट नंबर फोर क्लीयर कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स लास्ट पॉइंट कूलम्ब फोर्स इज नॉट डोमिनेंट इनसाइड न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट शुण न्यूक्लियस भितर पे तुम मानक दीटा फोर्स एक्ट करे दीटा फंडामेंटल फोर्स एक्ट करे गोटे तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आउ गोटे वीक फोर्स वीक फोर्स कथा बर्तमान छाड़ आउ जो चारिटा फंडामेंटल फोर्स रहा से भितर सबुठ स्ट्रंगेस्ट फोर्स है तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हाय 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 सबुठ स्ट्रॉन्ग फोर्स किए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
जेहेतु स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स टा एते स्ट्रंग तो न्यूक्लियस भितर बाबा राजा हेले हमर स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स अछि माने से बाबा छाड़ो मु अछि माने तम मानकर किछ एटी स्थान नै बुझिबेलो न्यूक्लियस भितर सबुठ स्ट्रंग के स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स तेणु जेहेतु आ भितर प्रोटोन अछि न्यूक्लियस भितर के थे प्रोटोन थिबे न्यूट्रॉन थिबे प्रोटोन प्रोटोन दुटा का पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होबा कथा किछि मात्र रिपल्शन हुए किंतु तापर डोमिनेंट बा भारी पड़ जाए किए ना तुम स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस भितर तुम गल माने सेठी डोमिनेंट किए स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स ताले क्वेश्चन आसला कौन प्रोटोन प्रोटोन भितर टोटाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे नी लगे लगे डेफिनेटली लगे किंतु से फोर्स डोमिनेंट नुहंती तांको ऊपर चढ़ी की आसीबो के स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स बुझेगा से लास्ट पॉइंट लिखली कुलम फोर्स इज नॉट डोमिनेंट इनसाइड न्यूक्लियस आउ न्यूक्लियस रेडियस के 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर तो जनरली 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर रेडियस को लेकिन जो स्पीयरटा करता भितर कुलम फोर्स बेसिकली कम करे भितर किए कम करती स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स से मैंने भितर हिरो बुझेगा ये आम कुलम्स लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स तापर जो तुम पचार जे कुलम्स लॉ कौन लिमिटेशंस कौन लिमिटेशंस ना तार दुटा ही लिमिटेशंस कौन फास्ट लिमिटेशन है कुलम्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस ही कुलम्स लॉ वैलिड तुम जब कह ये मो पाखे गोटे रड अच्छी आधे पूरा टोटल चार्ज मुझे बिछाड़ी आप कुलम्स लॉ डायरेक्ट पका तुम पकई पार ना कंटिन्यूअस चार्ज पर तुम कुलम्स लॉ पकई पार ना यहाँ वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बुझेगा यहाँ है गोटे प्रोब्लम सेकेंड नंबर प्रोब्लम है कौन ना आम कुलम्स लॉ से पकई पार जो चार्ज मैंने रेस्ट थे जो चार्ज मैंने रेस्ट थे से तुम कुलम्स लॉ अप्लाई कर पारे कारण चार्ज गुड़ा मोशन को पलि आसे तुम कुलम्स लॉ भलसे अप्लाई कर पार ना अप्लाई तो करें कुलम्स लॉ से अप्लाई कर पारे जो चार्ज मैंने रेस्ट थे ये दुटा थी आम कौन ना कुलम्स लॉ रो लिमिटेशंस ओके एतिक जिनस आम पढ़ले कौन ना कौन थी कुलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुलम्स लॉ गॉट इट कुलम्स लॉ तो पढ़ले एति पाठ ही पढ़ले खाली तार छोट छोट क्वेश्चन मुझे किसी कर दूसरे मनकर ये गोटे अच्छे दुई कुलम चार्ज ये गोटे अच्छे एक कुलम चार्ज आंक भितर डिस्टेंस अच्छे एक मीटर तुम पचारा आंक भितर कुलम फोर्स के तुम फर्मुला कौन ना के क्यू वन क्यू वन द्वारा ना गोटे चार्ज टू क्यू टू के वन आर जो डिस्टेंस थी तार स्क्वायर ताले कहते जो टू के एति गला फोर्स बर्तमान धर लिखाई गोटे जगह माइनस टू कुलम ये लिखाई फोर कुलम से भितर सेपरेसन मन कर टू मीटर पचारा कुलम फोर्स के एफ इक्वल टू के क्यू वन जगह के माइनस टू ना मुना कौन नब मैग्नीच्यूड नब तो टू आर मैग्नीच्यूड के फोर डिवाइडेड बै डिस्टेंस स्क्वायर टूर स्क्वायर तेल एट के बै फोर तो कहते हैं टू के बुझेगा ओनली मैग्नीट्यूड ही नब फॉर एग्जांपल एट मो पाखे अच्छे गोटे माइनस थ्री कुलम ये गोटे अच्छे माइनस थ्री कुलम आंक भितर सेपरेसन अच्छी वन मीटर पचारा ये कुलम फोर्स के एफ इक्वल टू के क्यू वन जगह के माइनस थ्री नबनी खाली मैग्नीट्यूड नब थ्री क्यू टू जगह के थ्री माइनस को नबार नहीं डिस्टेंस स्क्वायर तो वन स्क्वायर आंसर के नाइन के बुझेगा ये है कौन ना दुटा चार्ज भितर कुलम फोर्स आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस है कौन ना मन कर ये मो पाखे चार्ज गोटे अच्छे क्यू वन ये गोटे चार्ज अच्छे क्यू टू आंक भितर डिस्टेंस मन कर अच्छी आर मुझ पचारे क्यू टू पर कैसे फोर्स पड़ू देख केमी कैलकुलेसन कर मैग्नीट्यूड तो तुम काटिदे पार के क्यू वन क्यू टू बै आर स्क्वायर यही वाला फर्मुला पकई बाकी डिरेक्शन टा केमी जाना ना निजस्व बुद्धि यूज कर आम जानचे पॉजिटिव चार्ज कौन करे रिपेल नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कौन करे रिपेल आ पॉजिटिव नेगेटिव को कौन करे अट्रैक्ट ए जिनसा तो तुम मैंने जाच बुझीगला शुण जो चार्ज उपर तुम फोर्स पचार जो चार्ज उपर फोर्स पचार से ही चार्ज कौन करुच्चे देखनी देख आर चार्जटा आट्राक्ट करुचना रिपेल कर बुझीपाल फर एक्जामपल मो पाखे क्यू वन गोटे चार्ज अच्छी क्यू टू गोटे चार्ज अच्छी मुझे क्यू टू पर जो फोर्सटा पड़ो तार डिरेक्शन कह तेल क्यू टू कौन कर मोर देखा ना मुझे देखिए क्यू वन आपको आट्राक्ट करुच्चे कि रिपेल करुच्ची क्यू वन आपको रिपेल करपट को ठेलो जदि क्यू वन क्यू टू को आट्राक्ट करपट को आट्राक्ट कर एतिक तो खेल देख फॉर एग्जांपल मन कर ये मो पाखे रहा टू कुलम ये रहा माइनस थ्री कुलम आंक भितर सेपरेसन है वन मीटर मुझे पचारि माइनस थ्री कुलम उपर फोर्स के प्रथम कथा फोर्स आगे काढ़ किसी भावन के क्यू वन के टू क्यू टू के माइनस थ्री मैग्नीट्यूड के थ्री डिवाइडेड बै डिस्टेंस स्क्वायर वन स्क्वायर तेल के सिक्स के तेल फोर्स तो पड़ो सिक्स के न्यूटन ठीक अच्छे बाकी डिरेक्शन कौन देख माइनस थ्री कुलम उपर फोर्स पचारे मुझे देखी टू कुलम कौन कर बुझीपाल माइनस थ्री कुलम उपर फोर्स पचारे मैंने मुझे देखी आर चार्जटा कौन कर टू कुलम कौन करुँच जेहतु यहाँ प्लस यहाँ माइनस तेल टू कुलम आपको कौन कर आट्राक्ट कर आट्राक्ट कर मैंने कौन आड़क टाणी ये आपको आट्राक्ट यहाँ आपको आट्राक्ट कर मैंने एपटक तो टाणी ना तो यहाँ फोर्स डिरेक्शन बुझिपाल सिमिलरली धर ये गोटे अच्छे माइनस फोर कुलम चार्ज ये अच्छे माइनस नाइन कुलम चार्ज एक मानक भितर सेपरेसन है टू मीटर मुझे पचारूँ
सॉरी एट मन कर माइनस फोर कुलम माइनस नाइन कुलम से भितर सेपरेसन अच्छे टू मीटर बर्तमान पचारे फोर्स के माइनस नाइन कुलम उपर फोर्स पचार प्रथम फोर्सटा काट दि के से किसी डिरेक्शन देखिए कि वन अच्छे के माइनस फोर मैग्नेट्यूड के फोर माइनस नाइन मैग्नेट्यूड के मैग्नेट्यूड के नाइन डिस्टेंस स्क्वायर टू स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर ताले थर्टी सिक्स के बै फोर ताने नाइन के मैंने फोर्स मैग्नेट्यूडा है नाइन के न्यूटन बाकी है डिरेक्शन देख माइनस नाइन कुलम उपर फोर्स पचार तो देखी माइनस फोर कुलम कौन कर ईएपी नेगेटिव तेल नेगेटिव नेगेटिव भितर कौन हम रिपल्सन रिपल्सन हम मैंने माइनस फोर कुलमटा माइनस नाइन कुलम को कौन कर ठेलब रिपल्सन मैंने कौन ठेलब ना नहीं माइनस फोर कुलम माइनस नाइन कुलम को ठेलब तुम कह सर माइनस नाइन कुलम तो माइनस फोर कुलम को भी ठेली पार ये डेफिनेटली ठेलु थो कि कथा मोर से ना मोर माइनस नाइन कुलम उपर फोर्स पचार मैंने माइनस नाइन कुलम कौन कर देखे ना मुझे देखी आर जो चार्जटा बढ़ला सी कौन कर बुझेगा तो माइनस फोर कुलमटा भी नेगेटिव माइनस नाइन कुलमटा भी नेगेटिव तेल माइनस फोर कुलम माइनस नाइन कुलम को कौन कर ठेलब ठेलब मैंने एपटे फोर्स डिरेक्शन पाइगली डिरेक्शन यहाँ है मैग्नेट्यूड बुझेगा किसीटा क्वेश्चन मुझे फटाफट गुड़ भाया करदे जाऊँच तुम मैंने खाली टे देखी चल आ रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डेफिनेटली कर तो से धर्य दरकार टी देख फटाफट कर ये गोटे अच्छी टू क्यू एटी अच्छी एल पचार फोर्स क्या उपचार नहीं तो तुम किसी भाबर भी ना के क्यूवान जगह टू क्यू क्यू टू जगह क्यू डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर तेल के टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर दैट्स द आंसर ये देख गोटे चार्ज अच्छे टू क्यू आ गोटे अच्छे माइनस क्यू तक भितर एल फोर्स पचार के चार्ज क्यू वन के टू क्यू क्यू टू जगह माइनस क्यू पकई दबे मैग्नेट्यूड नब तेल के क्यू डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर तेल एटा भी सॉल्व कले टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बुझेगा तापर आस ये अच्छे माइनस टू क्यू ये अच्छे माइनस क्यू तो एफ है कौन के क्यू वन क्यू वन जगह माइनस टू क्यू पकेबनी ओनली मैग्नेट्यूड नब से एका क्वेश्चन मुझे तीन टा ने टू क्यू एटी के मैग्नेट्यूड नवा क्यू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर तेल से ही टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बुझेगा तापर देख टू कुलम थ्री कुलम डिस्टेंस है जीरो पॉइंट टू मीटर क्या फोर्स पचार थ्री कुलम उपर आगे डिरेक्शन टा देखिदि थ्री कुलम उपर फोर्स पचार मैंने मुझे देखी टू कुलम कौन कर देख टू कुलम भी अच्छी पॉजिटिव थ्री कुलम भी अच्छी पॉजिटिव ताले पॉजिटिव पॉजिटिव भितर रिपल्सन हम ताले देखिए टू कुलम थ्री कुलम को कौन कर ना टू कुलम थ्री कुलम को रिपेल करुच्छे रिपेल कर मैंने ठेलब ताले एपट को ठेलब यहाँ है फोर्स डिरेक्शन आ तार मैग्नेट्यूड के फर्मुला पकेब के क्यू वन जगह के टू क्यू टू जगह के थ्री डिस्टेंस स्क्वायर मैंने जीरो पॉइंट टू स्क्वायर तमें सिक्स के डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फोर आपको सल्व कर जहाँ आसर बुझेगा तापर क्वेश्चन वन कुलम माइनस वन कुलम सेपरेसन है टू आंगस्ट्रम है टू आंगस्ट्रम गोटे आंगस्ट्रम है टेन टू दिपार माइनस टेन मीटर तेल टू आंगस्ट्रम के टू इंटू टेन दिपार माइनस टेन मीटर ओके देख वन कुलम माइनस वन कुलम माइनस वन कुलम उपर पचार फोर्स माइनस वन कुलम उपर पचार मैंने माइनस वन कुलम कौन कर मोर देखा ना मुझे देखी वन कुलम कौन कर देख वन कुलमटा अच्छी पॉजिट माइनस वन कुलमटा अच्छे कौन नेगेट तेल वन कुलमटा माइनस वन कुलम को कौन कर आट्राक्ट कर आट्राक्ट कर मैंने निज आड़ को टाणी रिपेल कर मैंने दूर को ठेलब तेल निज आड़ को टाणी मैंने यहाँ है फोर्स डिरेक्शन आ मैग्नेट्यूड के क्यू वन जगह वन क्यू टू जगह भी कौन वन कारण माइनस वन मैग्नेट्यूड ना तापर डिस्टेंस स्क्वायर टू इंटू टेन टू दर माइनस टेन मीटर तार स्क्वायर आपको सॉल्व कर जहाँ आसो आंसर ओके तापर जी देख एट रहा माइनस थ्री कुलम एट रहा माइनस टू कुलम एट रहा वन मीटर ताले एफ रो फॉर्मूला कौन आगे फोर्स कर दूसरी के क्यू वन जगह के टू क्यू टू जगह के थ्री डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर तेल वन स्क्वायर सिक्स के तेल फोर्स मैग्नेट्यूड है सिक्स के न्यूटन बाकी रहा डिरेक्शन देख माइनस टू कुलम उपर पचार माइनस टू कुलम कौन कर देखार नहीं मुझे देखिए आर चार्जटा कौन कर माइनस थ्री कुलम माइनस टू कुलम को कौन कर देख ये भी अच्छी नेगेटिव ये भी अच्छी नेगेटिव तेल माइनस थ्री कुलमटा माइनस टू कुलम को कौन कर रिपेल कर रिपेल नेगेटिव नेगेटिव मैंने रिपेल कर किए रिपेल कर माइनस थ्री कुलम माइनस टू कुलम को मैंने दूर को ठेलब ताठू दूर को ठेलब ताले यहाँ है फोर्स डिरेक्शन बुझेगा तापर टू कुलम माइनस टू कुलम देख माइनस टू कुलम उपर पचार देखिए आर चार्जटा कौन कर टू कुलमटा अच्छी पॉजिट माइनस टू कुलमटा अच्छी नेगेटिव तेल ये टू कुलमटा माइनस टू कुलम को कौन कर टाणी जेहतु गोटे पॉजिट गोटे नेगेट आट्राक्शन हम ना आट्राक्शन हम मैंने टू कुलमटा माइनस टू कुलम को कौन कर तार टाणी टाणी मैंने यहाँ है फोर्स डिरेक्शन आ फोर्स मैग्नेट्यूड के क्यू वन जगह टू क्यू टू जगह भी टू डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर ता मैंने फोर के बाय फोर आंसर आसला के दरकार पड़ा के जगह नाइन इंटू टेन दबा नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर पकईदे पार्बर देख यही फोर क्यू पर पचार आगे फोर्स काढ़ के क्यू वन जगह के फोर क्यू देख ये सी थिला बोली सी गुड़ा लिखुन कारण सी गुड़ा था यूनिट किंतु क्यू थे क्यू को छाड़ देवनी क्यूटा है तार मैग्नेट्यूड फोर क्यू ये रहा के फोर क्यू
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ताले 16 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एटा ला फोर्स रो मैग्नीट्यूड ठीक अछि बाकी डायरेक्शन देखिबे आ ऊपर पचार छी ताले मु देखिबे आर चार्जटा कोन करबो जहां ऊपर पचार थिबो देखिबो ताकू छाड़ देबो जहां ऊपर फोर्स पचार थिबो ताकू छाड़ देबो जे से कोन करू छी हला सेटा हमर देखिबारे नाही देखिबे आरो जो चार्जटा बळिला से कोन करू छी ताले इयाकू कोन करबो रिपेल करबो कारण देखो ई एपी अछि पॉजिटिव ई एपी अछि पॉजिटिव ताले इयाकू कोन करबो रिपेल करबो माने कोन दुरकु ठेलिबो ठेलियो माने एटा हला फोर्स रो डायरेक्शन बुझेला तापर देखो माइनस वन कुलम वन कुलम सेपरेशन वन मीटर आगे फोर्स काट दियो के आर मैग्नीट्यूड केते वन आर मैग्नीट्यूड केते वन एटी सी गुड़ा कहीं लिखुनि कारण से गुड़ा यूनिट किंतु क्यू को छाड़ देवनी क्यू टा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर वन स्क्वायर तो आंसर आसला केते के हला तापर डायरेक्शन दबा देखो माइनस वन कुलम ऊपर पचारिछि ताले मु देखिबिनि जे माइनस वन कुलम कोन करूछि मु देखिबि आरो चार्जटा कोन करूछि वन कुलम माइनस वन को कोन करिवो टाणिबो टाणिबो माने एटा हला फोर्स डायरेक्शन हला जहां ऊपर पचारिथिबो देखिबो आरो चार्जटा ताको अट्रैक्ट करछि ना रिपेल करछि आई होप समस्तर आईडिया आसी जीवन किछ असुविधा नहीं एटा ला फोर्स डायरेक्शन तापर क्वेश्चन देखो निजे केते आराम से बुझि जीवो एटा धर अछि क्यू बाय फोर एटा अछि क्यू बाय थ्री देखिला क्यू बाय फोर टा क्यू बाय थ्री को रिपेल करिवो काहेकि ना ई एपी अछि पॉजिटिव ई एपी अछि पॉजिटिव ताले याकू कोन करिवो रिपेल करिवो हला क्यू बाय थ्री क्यू बाय फोर को रिपेल करनथु करुथु किंतु हमर सेटा देखिबार नै जेहेतु आ पर फोर्स पचारिछि मु देखिबि आरो चार्जटा कोन करूछि अट्रैक्ट करूछि ना रिपेल करूछि जेहेतु दिटा को पॉजिटिव थिले त रिपेल करिवो रिपेल करियो माने इया को कोन करिवो ठेलिवो एंति थिले ना ताले इये आकु कोन करिवो ठेलिवो ठेलिवो माने एपटे फोर्स रा पडिवो से फोर्स रा मैग्नीट्यूड केते के क्यू वन जगार अच्छे के क्यू बाय फोर क्यू टू जगार अच्छे के क्यू बाय थ्री डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर ताले के क्यू स्क्वायर बाय चार तीन बार फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एल स्क्वायर इतनी गला आंसर आई होप किसी आईडिया आसो बुझेल आ रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रश्नकाल सीरीज रे भी करी आउ गोटे जब हम न्यूमेरिकल सेशन भी करदेवि सो डोंट वरी प्रश्नकाल सीरीज रे कौन ना टे टफ लेवल क्वेश्चन रखा आ न्यूमेरिकल सीरीज रे कौन ना तुम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखा ओके सो डोंट वरी आराम से रिलैक्स बढ़िया से बुझीहब आज इंपोर्टेंट पाठ जहाँ कहली थियोरिटिकल जिनस भलसे मन रखो आ बाकी जो रहा आर यही भाया पाठ न्यूमेरिकल बेसीस पाठ तार इंपोर्टेंट जिनस आज है डायरेक्शन डायरेक्शन कौन ना जहाँ ऊपर तुमको फोर्स काढ़ा पचार से चार्जटा कौन कर देखनी देख जो चार्जटा फोर्स पकाउ सीए कौन कर अट्रैक्ट कर ना रिपेल कर देखिकी डायरेक्शन दबो ये कहबार आजपाई इतनी था ओके थैंक यू वेरी मच।